पारिवारिक संबंध है। राम विलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे, जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। चाहे उनकी इच्छा थी हम लोग के बीच, जो हम लोग पार्टी के नहीं है, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक आज चिराग पासवान से मुलाकात किए। ये मुलाकात करीब एक घंटे तक बंद कमरों में चली है। इसके साथ ही साथ जो बातें निकलकर सामने आई है, जब मीडिया कर्मियों ने श्याम रजक से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं था, ये व्यक्तिगत मुलाकात था। जिस तरह से रामविलास पासवान की प्रतिमा को फेंक दिया गया, जो दिल्ली के सेक्रेटरिएट या जो दिल्ली के पार्लियामेंट में लगना चाहिए उसे फेंक दिया गया और दलितों का अपमान किया गया, ये सही नहीं है। पहले सुनिए श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं। पारिवारिक संबंध है, राम विलास जी हमारे बड़े भाई की तरह रहे, जिस तरह उनको घर से बेदखल किया गया, जिस तरह से वहाँ दलित नेताओं के चित्र मूर्ति के साथ अपमान किया गया, इससे चिराग पासवान जी मर्माहत रहे हैं। उस मर्माहत पर मैं उनके दुख में शेयर करने के लिए आया। चाहे उपचुनाव है, चिराग की पार्टी नहीं लड़ रही है, क्या यहाँ कोई राजनीति बात नहीं चाहते कि चिराग पासवान आप लोग प्रचार करें आप लोग के लिए। आज देश में दो धारा है, एक तरफ मनुवादी लोग हैं और एक तरफ देश में जो सब लोग कुचले गए हैं वो लोग हैं। हम चाहेंगे कि सारी शक्तियाँ जो मनुवाद के खिलाफ हैं वो सब लोग एक साथ हों, एक साथ मिल कर करके मनुवादियों को परास्त करें। चिराग पासवान क्या तैयारी है, क्या सर, चौबीस की तैयारी हम लोग की मजबूती के साथ एकजुट होकर तैयार हैं आप लोग। हम चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सारी शक्तियाँ जो बीजेपी के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, इस राष्ट्र के द्रोही लोगों के खिलाफ है, जो यहाँ पर मनुवाद की संस्कृति लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एकजुट करके और उसको परास्त करने का काम। चिराग पासवान के साथ जो हुआ और जो कुछ हो रहा, लगता है बीजेपी भी भूमिका में है, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की वहाँ सरकार है, वहाँ उनके विभाग हैं, उन लोगों की भागीदारी निश्चित है, उनके बिना कुछ हो सकता है क्या? इतने दिनों तक वो जैसा कह रहे थे कि उनको आश्वासन दे रहे थे और तुरंत उनको इस तरह से घटना हुआ। उस मकान को रखना नहीं चाहते, हम लोग की इच्छा थी, हम लोग के बीच, जो हम लोग पार्टी के नहीं है, कि रामविलास जी वहाँ पर कई वर्षों से रहे, उनको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और वो मकान को राष्ट्रीय स्मारक रामविलास जी के नाम पर होना चाहिए। रामविलास जी की प्रतिमा दिल्ली में किसी बड़े स्थल पर लगना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर संसद भवन में रामविलास जी की तस्वीर लगनी चाहिए। रामविलास जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, जब बड़े मनवादियों का वो लगा सकते हैं तो एक दलितों के सबसे बड़े प्रनेता, भाई अंबेडकर और काशी राम के बाद कोई एक नेता पैदा हुआ वो रामविलास पासवान है, तो रामविलास जी को क्यों नहीं? वो दलित विरोधी है बीजेपी और दलितों का अपमान करना उनका कर्म रहा। चिराग और तेजस्वी एक हो जाएंगे तो क्या लगता है बीजेपी के विजय रथ को रोक सकते हैं आप लोग? विजय रथ तो ऐसे भी रुकने वाला है, इस राज और देश की जनता सड़क पर है और जब सब लोग एक साथ हो। तो आपने सुना, राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक को उनका कहना है कि जिस तरह से रामविलास पासवान की प्रतिमा को फेंक दिया गया, बीजेपी हमेशा दलितों का अपमान करती है और जो रामविलास पासवान है वो दलितों का नेता है, उन्हें अपमानित किया गया और जिस तरह से बंगले को खाली कराया गया ये ठीक नहीं है। जब चिराग तेजस्वी साथ आने की बात पर उन्होंने कहा कि जब सब लोग साथ आ जाएंगे तो ये बीजेपी को पराजित करके रहेंगे। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।